हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं पूजा कबिया। हल्ला बोल में आज बात प्रदेश में बढ़ते आपराधिक ग्राफ की। जी हां, प्रदेश में इन दिनों अपराध का बोलबाला है। लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ना तो उन्हें कानून का कोई डर है, ना ही कानून का कोई भय। अक्सर आपने टोल पर गुंडागर्दी की तस्वीरें देखी होंगी, अक्सर आपने टोल पर नाकेबंदी पर कैसे झड़प हुई कर्मचारियों के साथ वो भी देखी होंगी। और खास तौर पर जब बात हम करें खिड़की डोला टोल की, वहां पर अक्सर गुंडागर्दी आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। कई बार शिकायतें की जाती हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं ये गुरुग्राम के टोल की तस्वीरें हैं। खिड़की डोला टोल है ये, जहां पर कर्मचारियों के साथ एक बार फिर से मारपीट हुई है। कर्मचारी ने गाड़ी के बोनट पर लेटकर अपनी जैसे तैसे जान बचाई, जो कि तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे ये कर्मचारी जब गाड़ी रोकने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी आगे चलती रहती है, और ये जो टोल का कर्मचारी है वो बोनट पर लेट जाता है और काफी लंबी दूरी तक इस कर्मचारी को आगे बोनट पे घसीटते हुए ये गाड़ी लेकर जाती है। प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहा है, आपराधिक ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, क्यों प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, क्या बदमाशों को कानून का कोई डर नहीं, टोल पर क्यों सुरक्षा को बढ़ाया नहीं जा रहा, आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं आपके साथ। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, जुड़कर अपनी राय पहुंचा सकते हैं। हल्ला बोल में जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर को देखिए, इन नंबर पर कॉल कीजिए और सीधा हमारे साथ जुड़कर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। महेंद्र हमारे साथ पलवल से दर्शक जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या राय है आज के मुद्दे पर। महेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुन पा रहा हूँ। नमस्कार कहिए। हाँ जी महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैम मैं ये कहना चाहूंगा, हेलो हेलो, टीवी की आवाज कम कीजिए महेंद्र जी, बोलिए। अब हेलो, चलिए लगता है आप आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, फिर से कोशिश कीजिएगा। अंकित से इतने हम बात करते हैं, अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित नमस्कार, बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? मैडम इस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए बहुत बड़ा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर बड़ा एक्ट लगाना चाहिए, आईपीसी धारा बड़ी लगनी चाहिए इस पर। अगर कोई ऐसी बदमाशी करता है किसी की जान चली जाओगी 20 रुपए के चक्कर में ऐसे तो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जान जा सकती है क्योंकि कई बार पहले ऐसे हादसे हुए भी हैं कि जान जोखिम में डालकर कर्मचारियों ने टोल पर नाकेबंदी की है। रवि हमारे साथ टोहाना से एक दर्शक है, हल्ला बोल में जुड़े हैं। रवि जी बताइए इस पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार कहिए। मैडम जी 2-4 दिन की बात है, 3-4 लड़के थे और गाड़ी में सवार थे और एक बाइक वाला जा रहा था और उन्होंने क्या करा, उस लड़के के ऊपर हमला कर दिया जी, और पुलिस ने उसको पकड़ रखा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अभी इतने मालिक के इतने हाथ ऊंचे हो गए बदमाशों के, मालिक गरीब आदमी की बस की बात नहीं है जो टपना। और दूसरी बात ये है कि कानून का कोई डर नहीं है, कानून इनका साथ देता है और इनके ऊपर रिश्वत जाती है, इसमें कोई वो नहीं है जी, रिश्वत फूल जाती है ना इसमें नुवेक ना इसके ऊपर से। वो आजकल वो पहले सिस्टम था मालिक रंग पकड़ाते, आजकल एक तीसरे दूसरे से सेटिंग कर लेते हैं, ये उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, रिश्वत कानून में कोई डर नहीं है इनको। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही कहा आपने, रिश्वत दे देते हैं और उसके बाद बच के निकल जाते हैं। लेकिन टोल पर अक्सर इस तरीके की खबरें कैसे आ जाती हैं और क्यों वहां पर कार्रवाई नहीं होती, हेमंत से जानते हैं, पलवल से जुड़े हैं। हेमंत जी बताइए टोल पर इस तरीके की गुंडागर्दी क्यों हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या विचार है आपका? हेमंत टीवी की आवाज को कम कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हेमंत सुन पा रहे हैं आप क्या मुझे? अगर देखिए ये इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत से अमीर लोग होते हैं। बोलिए। यानी ये गुंडागर्दी इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत से अमीर लोग, ये इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर अमीर लोग बहुत होते हैं जी। नहीं तो अमीर है तो गुंडागर्दी करेंगे क्या?
मैम यहाँ पर ये गुंडागर्दी इसलिए हो रही है क्योंकि अमीर लोग बहुत होते हैं जी, जो कि पैसा थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे देते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो पैसा कम देते हैं जी। चलिए शुक्रिया आपका हेमंत, आप जुड़े हमारे साथ, बाकी के दर्शक जुड़िए हमारे साथ। अब इसे अमीरी की दृष्टि से देखें तो क्या अमीरों के अलग कानून है, क्या उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, उनके क्या संविधान और सब चीजें अलग है, ऐसा नहीं है। सभी के लिए कानून एक समान है, एक बराबर है, फिर वो क्यों कानून को, नियमों को तोड़ देते हैं, उनका उल्लंघन कैसे कर देते हैं, जींद की तरफ रुख करते हैं। दर्शक हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हैं, नरेंद्र बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप। मैडम ये जो बेखौफ इस तरह से ये हादसे हो रहे हैं, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, इनको किसी प्रकार का इस तरह का कोई कानून तो बने। इस तरह से आम लोगों को ये लोग परेशान करते हैं, ये कोई अच्छी तरीके वाली बात थोड़ी नहीं है। क्या इस तरह से, क्या ये जो एक इस तरह से गाड़ी को बोनट पे इसकी जान बच गई जो आप दिखा रहे हैं, तो ये जो गाड़ी चला रहा था इसके डर तो है नहीं ना, तो डर या तो बोले प्रशासन का हो या कानून का हो, इनको प्रॉपर सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप हमारे साथ। बलवान सिंह अगले दर्शक हैं, नमस्कार बलवान जी, बताइए क्या कहेंगे आप, कहिए। बलवान सिंह जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सुन पा रहा हूँ, कहिए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। मैम इसमें तो गाड़ी के सामने जो कर्मचारी लेटा है और ड्राइवर अपने आप लेके जा रहा है, इसके खिलाफ 307 आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज हो रहा है। और देश में कानून व्यवस्था बहुत कम है क्योंकि पुलिस का इस तरह के लचीला रवैया रहता है, आम आदमी को तो परेशान करके बदमाशों पर हाथ डालने का प्रयास नहीं करती। और मैं ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि जो टोल प्लाजा पर कुछ लोग हैं ये आम लोगों के साथ बदतमीजी भी करते हैं, इनको भी जरा थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका बलवान सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ, बाकी के दर्शक जुड़िए, जुड़कर अपनी राय हम तक पहुंचाएं। बलजीत सिंह है हमारे साथ, बलजीत सिंह नमस्कार, कहिए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप। नमस्कार मैडम जी। जी कहिए। ये जो गाड़ी वाले है ना जी, इतनी ज्यादा हरकत करते हैं ना, तो छोटी गाड़ी ट्रैफिक मान देखते हुए कोई पीछे आ रहा है या बड़ी गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी का कसूर निकल जाता है जी। और जो ये दिखा रखे है तस्वीर पे जी, ये कानून अपने हाथ में ले रहा है खुद अपने जी। एक ये टूल टाइप्स वाले जी, थोड़ा ये इनको बोलने की नॉलेज नहीं है कैसे वो करते हैं जी, थोड़ा इनको भी थोड़ा समझना होगा जी। धन्यवाद जी। नहीं तो उनके ऊपर से क्या गाड़ी ले जाए अगर उन्हें बोलने की तमीज नहीं है, क्या इस तरीके से करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहरहाल सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने विचार हैं। विकास नैन है अगले दर्शक, विकास नैन साहब बताइए क्या इस मुद्दे पर आपका सुझाव, क्या प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। पहले तो मैम आपसे हरियाणा न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो भी इस मुद्दे पर आपने प्रमुखता से उठाया जी। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये देखने की आती है कि एक मतलब तो ज्यादा व्यक्ति को गाड़ी ले जाती है और वो बोनट पर अपनी जान बचाकर बताता है बोनट पर रहकर, अगर ये व्यक्ति मर जाता तो इसके जिम्मेवार कौन होता, अगर इस व्यक्ति की जान चली जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होता। तो मेरा तो सरकार से सुझाव ये है हर टोल प्लाजा पर 2 पुलिसकर्मी मौजूद होने चाहिए ताकि तुरंत कार्रवाई हो जाए। इन करनाल में तो बच्चे पकड़े तो पुलिस आ गई और यहाँ अपराधियों को पकड़ने के लिए को है ही नहीं प्रशासन नाम की चीज। तो मेरा ये सुझाव भी है सरकार से, हर टोल प्लाजा पर कहीं भी हो चाहे टोल, वहाँ 2 पुलिसकर्मी होने ही होने चाहिए, भर्ती निकालनी चाहिए। इस हिसाब से हर टोल पर 2 पुलिसकर्मी अवश्य होने चाहिए और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जो भी खाए। बहुत शुक्रिया आपका विकास, आप जुड़े हमारे साथ। पुलिस की कमी के चलते भी कई बार इस तरीके से कानून को हाथ में लिया गया है। प्रदीप है कैथल से, प्रदीप जी नमस्कार, बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ कि आपकी जनता की आवाज उठाते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम कहता हूँ जो ये टोल प्लाजा पे जो ये छोटी छोटी हरकतें करते हैं, जो ये अजनोनी हरकत करते हैं कि 20-30 रुपए के चक्कर में ये किसी की दूसरे की जान लेते हैं, इनके खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए, इनको सख्त से सख्त इनको सजा मिलनी चाहिए। जो भी ड्राइवर थे इस गाड़ी पे, जो भी था, जो ये दबंग थे या चाहे ये शरारती थे, ये जो भी थे, इनके खिलाफ
मैम कार्रवाई होनी चाहिए जरूर। सरकार से मांग करता हूँ कि एक कुछ कानून वो बनाया जाए, जो शरारती तत्व हैं, जो अपने आप को भी हम हरीज वो घरों के, वो बड़े घरों के बच्चे हैं जो ड्रिंक करके दिन में गाड़ी चलाते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, इनके खिलाफ मैम जरूर एक्शन होना चाहिए। मैम बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, आप जुड़े हमारे साथ। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है? क्योंकि पहली बार नहीं हुआ टोल पर ये सब, इससे पहले भी टोल पर मारपीट हो चुकी है, इनके साथ लूटपाट हो चुकी है, इनके जो टोल बूथ होते हैं उनमें तोड़फोड़ की गई। अगले दर्शक रोहतक से हमारे साथ मनोज हैं। मनोज जी बताइए आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? चलिए मनोज से संपर्क नहीं हो पाया, बाकी के दर्शक जुड़ते रहे हमारे साथ कार्यक्रम में। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमारे साथ जुड़िए और बताइए प्रदेश में अपराधियों में क्यों डर का माहौल नहीं है, क्यों प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं, क्या बदमाशों को कानून का कोई डर नहीं है? और टोल पर तो खासकर क्यों किसी को कोई डर नहीं होता, वो खुलेआम बैरिकेड को तोड़ देती है, वो टोल नहीं देते हैं, वो कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लेते हैं, लूटपाट हो जाती है। अब सोचिए टोल पर ये टोल क्यों लिया जा रहा है? ये टोल इसीलिए लिया जाता है ताकि सड़कों का जो निर्माण काम है या जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं विकास के लिए वो और बेहतर तरीके से मिल पाए, वो और बेहतर मिले। आरके कालिया जी अंबाला से, नमस्कार आरके जी, कहिए क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। देखिए जब देश में कोई कानून ना हो, कानून व्यवस्था ना हो तो ऐसे ही होगा। जहां पर देखिए हुकूमतें हैं पत्ता नहीं हिलता पत्ता, मैं आपको बताना चाहूंगा, और शायद आपने सुना होगा बुजुर्ग अब भी कहते हैं अंग्रेजों का शासन इससे बहुत अच्छा था कानून व्यवस्था की वजह से। तो ये हमारी ढील है, देखिए सरकार की ढील है, प्रशासन की ढील है, इनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं होता? क्यों होता इनके खिलाफ सख्त एक्शन? देखिए अब विदेशों में देखिए, हमारे बच्चे विदेशों में, बाहर क्यों नहीं है ऐसी गुंडागर्दी होती? हाँ हर कोई गुंडा बना हुआ है, इनको पोलिटिकल शेल्टर है, देखिए राजनीतिक संख्या है इन लोगों को, इनके पीछे जमात है, इनके पीछे लोग हैं। वैसे थोड़ी ही हमें सुधार होगा देश में, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, उनको सजा मिले तब जाकर कुछ यहाँ पे भला होगा, अदरवाइज कैसे भला होगा? राज एंड स्टाइल द चाइल्ड, देखिए यहाँ पे कोई सख्ती नहीं है, कोई कानून नहीं है, तभी देश का बेड़ा गर्व भंटादार हो रहा है देश का। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आरके कालिया जी, आप जुड़े हमारे साथ। दर्शक जुड़ते रहें कार्यक्रम में, अपनी राय पहुंचाते रहें। जिले सिंह हैं हमारे साथ, नमस्कार जिले सिंह जी, बताइए क्या राय है आपकी? जिले सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में। नमस्कार जी मैडम जी, नमस्कार, बोलिए। हाँ ये ऐसा है जी, जब इतनी अच्छी सुविधा मिली हुई है, हाँ जी हाँ जी, इतनी अच्छी सुविधा मिली हुई है, इतनी हमें रोड अच्छे मिल रहे हैं, तो उसके लिए टोल प्लाजा एक लगाया हुआ है, तो हम 15-15, 20-20 लाख की गाड़ियां लेके चलते हैं, 150 रुपए टोल के देने में हम झिझकते हैं। अगर संस्कारी आदमी है, शिक्षित आदमी है, समझदार है, वो टोल प्लाजा हमेशा दे के जाएगा, लेकिन जो ये घटनाएं होती हैं ये उन आदमियों से होती हैं जो कि अनैतिक तरीके से कमाया हुआ पैसा है और उसपे ये गाड़ियां खरीदते हैं, और इसमें उस टाइप के आदमी होती हैं। ये इस टाइप के आदमियों के बारे में ऊपर तक नॉलेज होती है, जिसके बेस पे, जिसकी सेह के ऊपर ये गाड़ियों ये जबरदस्ती करते हैं, ऊपर तक सेह होती है इनकी, और वो एक फोन के ऊपर सारे छूट जाते हैं, बल्कि इन्हीं को डांट। चलिए शुक्रिया जिले सिंह जी, बाकी के दर्शकों को भी हमें जोड़ना है, उनसे भी प्रतिक्रिया लेनी है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम शब्दों में आप अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाएं। अभय सिंह है हमारे साथ, अभय जी बोलिए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? हेलो, हाँ जी अभय सिंह जी कहिए। अभय सिंह सुन पा रहे हैं मुझे, बोलिए क्या राय है आपकी? हाँ जी राय मैम ये है, देखिए सरकार का इसमें कोई, हेलो बोलिए, सुन रहे हैं अभय जी कहिए। हाँ जी मैम, चलिए फिर से जुड़िएगा कार्यक्रम में, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया आपका, कोशिश कीजिएगा फिर से कार्यक्रम में जुड़कर अपनी राय अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हल्ला बोल में आपकी राय आपकी प्रतिक्रिया हम लेते रहेंगे। एक छोटे से